हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और आज फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप हम कैसे टेस्ट करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं और कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हेमाटोलॉजी में ब्लड ग्रुप सिस्टम का अध्ययन किया जाता है, जिसका ब्लड बैंक में एक विशेष स्थान होता है। किसी ऑपरेशन के समय या किसी प्रकार की एनेमिक डिसीज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है, तब डॉक्टर द्वारा दिए गए रिक्वेस्ट फॉर्म को लेकर दाता ब्लड बैंक जाता है, जहां उसकी कुछ इंक्वायरी होती हैं। उसके बाद रक्त व कुछ पैसे देकर बदले में ग्राही के ग्रुप का रक्त ले लेता है। ब्लड देने से पहले डॉक्टर डोनर और रिसिपिएंट दोनों का ब्लड ग्रुप चेक करता है और ब्लड ग्रुप मैच होने के बाद ही ब्लड बैंक डोनर को ब्लड पैक मुहैया कराती है। डोनर से ब्लड लेने के बाद विभिन्न प्रकार की जाँचों की जाती हैं। ब्लड ग्रुपिंग HIV, HCV, HVSAG, VDRL जैसे सभी टेस्ट किए जाते हैं। सभी टेस्टों के रिजल्ट आने के बाद जब हर तरह से खरा उतरता है उसमें, तो HIV, HCV, HVSAG, VDRL आदि जांच में नेगेटिव पाया जाता है डोनर, तो ब्लड को फिर रेफ्रिजरेटर में 2-8 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेफली स्टोर कर दिया जाता है। सामान्यतः दो ब्लड ग्रुप सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा है रियूस ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। रियूस ब्लड ग्रुप सिस्टम को भी RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर 1 ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। इसमें ब्लड ग्रुप O सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर मतलब सभी को दे सकता है, और ब्लड ग्रुप AB सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल रिसिपिएंट वो सबसे ब्लड को ले सकता है। रियूस ब्लड ग्रुप सिस्टम या RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के आधार पर ब्लड ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं, RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप सिस्टम रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर पाए जाने वाला एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पर कार्य करते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं। ऐसे ही नंबर 3 ब्लड ग्रुप AB में AB एंटीजन उपस्थित होता है और एंटीबॉडी नहीं होते उसमें, इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होते मतलब इनमें कोई एंटीजन नहीं पाए जाते, और ए और बी दोनों में एंटीबॉडी उपस्थित रहते हैं मतलब प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं मेथड की, ब्लड ग्रुप के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो ब्लड ग्रुप के 2 मेथड होते हैं, एक स्लाइड मेथड और एक होता है ट्यूब मेथड। तो सबसे पहले हम स्लाइड मेथड को देखते हैं। तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से इक्विपमेंट केमिकल्स रिएजेंट चाहिए होते हैं, तो उनके बारे में पहले एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले चाहिए होता है हमें क्लीन ग्लास स्लाइड। नंबर 2 चाहिए होता है हमें मिक्सिंग स्टिक या एप्लीकेटर स्टिक, जिससे हम मिक्स कर सकें। दूसरा चाहिए होता है हमें लेंसेट और निडल, जैसे हमें अगर फिंगर से हमने प्रिक किया है, प्रिक करके हम सैंपल लेते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, तो लेंसेट और निडल। नंबर 4 चाहिए ग्लास मार्किंग पेंसिल या मार्कर, जो ग्लास पे चल सके। और नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप रीजेंट किट। इसमें 3 रीजेंट होते हैं, एंटीसीरा ए ये ब्लू कलर का होता है, एंटीसीरा बी ये येलो कलर का होता है, और एंटीसीरा डी ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, ये पानी की तरह होता है, जैसे आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे। अब हम प्लास्टिक ड्रॉपर और वेनस ब्लड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम प्लास्टिक ड्रॉपर भी यूज कर सकते हैं और वेनस ब्लड भी यूज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। नोट, हम कैपिलरी ब्लड का और वेनस ब्लड से ADT वैल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि वेनस ब्लड का भी यूज कर सकते हैं इसमें, और ड्रॉपर भी यूज कर सकते हैं। तो नोट में हम बता रहे हैं आपको कि कैपिलरी ब्लड और वेनस ब्लड दोनों का यूज कर सकते हैं हम। अब प्रोसीजर की बात करते हैं।
तो प्रोसीजर में सबसे पहले सभी आवश्यक वस्तुओं को एक जगह पर वर्किंग टेबल पर एकत्रित कर लें, इकट्ठा कर लें। ब्लड ग्रुप के रिएजेंट को रेफ्रिजरेटर से निकाल कर उसे रूम टेम्परेचर पर रख लें। अब नंबर दो क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड लेते हैं और उसे कॉटन से साफ करते हैं और ग्लास मार्किंग पेंसिल से मार्कर से स्लाइड पर दो लाइन खींचते हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्लाइड पे, और उस पर लेवल करते हैं ए डी बी। अब उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले ए ब्लॉक में एंटी सीरा ए डालेंगे, बी ब्लॉक में एंटी सीरा बी डालेंगे और डी ब्लॉक में एंटी सीरा डी डालेंगे। उसके बाद जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, पिक्चर भी मैंने लगा दी है, और अब उसके बाद तीनों ब्लॉकों में एक ड्रॉप ब्लड डालते हैं, अलग अलग मिक्सिंग स्टिक से ब्लड को और रिएजेंट को मिक्स करते हैं। जैसे हमने एक एक ड्रॉप डाल दी और उसके बाद हमने अलग अलग मिक्सिंग स्टिक या एप्लीकेटर स्टिक से हमें मिक्स करनी है। अब तीनों ब्लॉक में एग्लूटिनेशन रिएक्शन को देखते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन के आधार पर टेस्ट रिजल्ट देते हैं। जैसे हम विडाल टेस्ट करते हैं उसी हिसाब से हम उसका ये टेस्ट भी देख सकते हैं। इसमें एक और चीज़ खास बात है, वेनस ब्लड सैंपल EDTA वाल द्वारा किया गया है। अब नंबर दो है ट्यूब मेथड ब्लड ग्रुप टेस्ट। तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो देख लेते हैं एक बार। नंबर एक चाहिए होता है 3 smell टेस्ट ट्यूब, ग्लास मार्किंग पेंसिल और मार्कर, ब्लड ग्रुप रिएजेंट किट। इसके किट में 3 रिएजेंट होते हैं, इसमें अभी 3 ही होते हैं, सेम रिएजेंट तो सेम ही है, एंटी सीरा ए ब्लू इन कलर, एंटी सीरा बी येलो इन कलर, एंटी सीरा डी कलरलेस। नंबर 4 प्लास्टिक ड्रॉपर, नंबर 5 चाहिए सेंट्रीफ्यूज और नंबर 6 चाहिए वेनस ब्लस ब्लड। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आवश्यक वस्तुओं को एक जगह वर्किंग टेबल पर एकत्रित कर लें और ब्लड ग्रुप के रिएजेंट को रेफ्रिजरेटर से निकालकर रूम टेम्परेचर पर रख लेते हैं। अब 3 क्लीन स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें मार्कर की सहायता से टेस्ट ट्यूब को लेवल कर लेते हैं, जैसे एंटी सीरा ए एंटी डी एंटी बी, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। अब पहले टेस्ट ट्यूब में एंटी सीरा ए ब्लू कलर की एक बूंद डालते हैं, दूसरे टेस्ट ट्यूब में एंटी सीरा बी येलो कलर की एक बूंद डालते हैं और तीसरे टेस्ट ट्यूब में एंटी सीरा डी कलरलेस की एक बूंद डालते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ए मैंने एक एक ड्रॉप डाल दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब तीनों टेस्ट ट्यूब में वेनस ब्लड की एक एक बूंद डालते हैं और मिक्स करते हैं, तीनों में एक एक बूंद एक एक ड्रॉप डाल देंगे और मिक्स करेंगे। अब तीनों टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज में 1 मिनट के लिए 1500 RPM पर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उसके बाद 1 मिनट में बाद सेंट्रीफ्यूज तीनों टेस्ट ट्यूब को निकाल लेते हैं और उसमें हुए एग्लूटिनेशन रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और एग्लूटिनेशन रिएक्शन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप रिजल्ट देते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, रिजल्ट की। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रिजल्ट कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव में एंटी सीरा डी एंटी सीरा और डी एंटी सीरा एग्लूटिनेट होते हैं, मतलब एग्लूटेशन दिखती है एंटी सीरा ए में और एंटी सीरा बी में। और ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव में बी एंटी सीरा और डी एंटी सीरा में एग्लूटेशन होता है। नंबर 3 है ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, उसमें एंटी सीरा ए और एंटी सीरा बी और एंटी सीरा डी तीनों में एग्लूटेशन होगी, तो तीनों ही फट जाएंगे, उसमें ग्रेनुल्स से देने लगेंगे। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, तो उसमें केवल डी एंटी सीरा एग्लूटेशन होता है, केवल उसमें डी एंटी सीरा ही एग्लूटेशन होगी, जिसमें कोई कलर था नहीं, जिसमें कोई रिजेंट में कोई कलर नहीं था, केवल वही एग्लूटेशन होगा बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव में, सॉरी ओ पॉजिटिव में, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव में। जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, मैंने पिक्चर भी लगा दी है ए ए बी और ए बी और ओ की। अब नेगेटिव ब्लड ग्रुप रिजल्ट कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं, आप ये भी देख लीजिए। ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव में ए एंटी सीरा एग्लूटिनेट होगा और डी एंटी सीरा एग्लूटिनेट नहीं होगा। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव बी नेगेटिव में बी एंटी सीरा एग्लूटिनेट होगा और डी एंटी सीरा एग्लूटिनेट नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव में एंटी सीरा और बी एंटी सीरा
दोनों एग्लूटिनेट होता है, परंतु डी एंटीसीरा एग्लूटिनेट नहीं होता। ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव में भी एंटीसीरा एग्लूटिनेट नहीं होता, तो उसको ओ नेगेटिव बोलते हैं, जैसे आप रिजल्ट में भी इमेज में भी देख पाते हैं। मतलब एंटीसीरा बी हमको पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्ट देता है, और एंटीसीरा ए और एंटीसीरा बी हमको ए या ए बी या ए बी इसको रिजल्ट देता है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक शेयर एंड